करेंगे करेंगे दस अरे वो रजिस्टर किसने रख लिया, फिर आते रहो सबके साइन हो जाए। हाँ जी खाता है हैं? दो मुट्ठी चावल। हाँ खाता है। कौन? कृष्ण दो मुट्ठी चावल खाता है। सुदामा लेकर के आते हैं ना? सुदामा के दो मुट्ठी चावल। हाँ तीसरी मुट्ठी जो एक मुट्ठी होती है, तीसरी मुट्ठी जो है खाते हैं तो रुकमणी रोक लेती है। हाँ तो वो गैर में कौन सी मुट्ठी है? और रुकमणी है ना, मणि बनने से रुक जाती है ना। क्या? मणि बनने से रुक जाती है। तो जो मणि बनने, मणि किसको कहा जाता है? आत्मा को। तो कौन कौन से धर्म की आत्माएं हैं जो पूरी आत्म की स्थिति में नहीं टिक पाती? है पूरी आत्म की स्थिति में न टिक पाने के कारण सतयुग त्रेता रूपी सुखधाम में नहीं आती है। वो यही संगम युग में दुनिया का सुख भोग लेती है। इसलिए संपूर्ण आत्मा नहीं बन पाती तो द्वापर युग से आती है। आठ पटरानियां गाई हुई हैं। विधर्मी भी कितने हैं? है आठ विधर्मी हैं। उनका नाम पटरानिया क्यों पड़ा? क्योंकि उल्टा पुरुषार्थ करते करते लास्ट में पट्ट में आकर के गिरती है तो दूसरे धर्म में चली जाती है। तो उनको शांति धाम मिलेगा या सुखधाम मिलेगा? शांति धाम मिलता है। न सुखधाम मिलता है इसलिए वो सुखधाम के वो सुख नहीं भोग सकती जो देवात्माएं भोगती हैं, और दुखधाम के भी वो सुख नहीं भोग सकती जो 23 करोड़ देवात्माएं भोगती हैं। तैतीस करोड़ देवात्माएं हैं, 10 करोड़ सतयुग त्रेता में आते हैं और 23 करोड़ कहाँ आते हैं? द्वापर और कलयुग में आते हैं। तो दुखधाम में भी वो ऊंची स्टेज का सुख भोगने वाले होंगे या नीची स्टेज का सुख भोगेंगे? हैं? ऊंची स्टेज का सुख भोगते हैं क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म के हैं। इसलिए रुक्मिणी ने वो दो मुट्ठी चावल वो तो नहीं रोक पाया, एक मुट्ठी रुद्रमाला के और एक मुट्ठी विजयमाला के। विजयमाला के दाने सुखदाम बनाने वाले दाने हैं और रुद्रमाला के दाने द्वापर और कलयुग में जो राजाएं बनते हैं वो सारे ही राजाएं रुद्रमाला में आते हैं। बाकी तीसरी मुट्ठी जब खाने को दिया तो नहीं खाने दिया, वो है शांति धाम। वो शांति धाम उनको 2500 साल के लिए मिल जाता है। किनको? जो दूसरे धर्म के बीज है, आधार मूर्त। और साधु संत ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और तुम बच्चे ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। वो सन्यासी जो हैं, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं माने ब्रह्मलोक को ही समझते हैं, वो ही भगवान है।
लेकिन वो तो रहने का जड़ स्थान है। ऐसे ही ब्रह्मा भी, ब्रह्मा का जो बुद्ध रूपी पेट है वो जड़ है, उसमें से ब्राह्मणों की पैदाइश होती है। ये बुद्ध रूपी पेट है किसका? ब्रह्मा का। उस बुद्ध रूपी पेट में से तुम ब्राह्मणों की पैदाइश होती है, तो वो जड़ तुम्हारी पेट है या चैतन्य बुद्धि है? जो कुछ मुरलियों में शिव बाबा ने सुनाया, उस मुरलियों की गहराई में ब्रह्मा की आत्मा जाती है या नहीं? है? नहीं जाती। तो चैतन्य बुद्धि है या जड़त्वमयी बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है। वो जड़त्वमयी को वो साधु सन्यासी समझते हैं, यही भगवान है। तो बेसिक के जो साधु सन्यासी हैं, वो भगवान का साकार रूप किसको मानते हैं? ब्रह्मा को मानते हैं। तो ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं ये रंग बात है। और उनके वस्त्र लेकर कदम के पेड़ पर बैठते हैं। हाँ जी, ये कदम्ब का वृक्ष कोई दूसरा वृक्ष नहीं है, ये षष्ठी रूपी वृक्ष ही है, जिसमें ऊंची स्टेज में भगवान का पार्ट है। वो भगवान का पार्ट सभी गोपियों को नंगा करना चाहता है, अपना सारा पोता मेल मेरे को दे दो। क्या पोता मेल देना माना? नंगा हो जाना, कुछ भी दबा ढुका नहीं रहेगा, सारा भगवान बाप के सामने क्लियर कर दो। क्लियर कर देंगे तो 21 जन्म के लिए तुमको नए वस्त्र दे देंगे। और एक चैत की नौ दुर्गों में माता बैठती है, एक कुमार की नौ दुर्गों में। कहाँ? नौ दुर्गों में वो मिट्टी की माता बनाती है। नौ दुर्गों में तो नौ माताएं बनाते हैं। हाँ, तो एक में बिठाती है। एक नौ रात्रों में माता को बिठाते, एक में नहीं बिठाते। और माता का वो माता तो सब के सब दुनिया के सामने है ही, दो माता। और दो माता जो कह रही है तो गुप्त है। एक तो सरस्वती माता गुप्त हो गई, वो छोटी मम्मी है। एक बड़ी माता ब्रह्मा गुप्त हो गई, वो बड़ी मम्मी है। अरे बेसिक में देवियों की पूजा की या नहीं की? तो एक बेसिक में पूजा की, फिर डूबी जा कर दी, डुबो करके यहाँ आके बैठ गए। एक पूजा तो वो हो गई, अब दूसरी पूजा एडवांस में होने वाली है। तो जो एडवांस में माताएं निकलेंगी, विजयमाला की हेड छोटी मम्मी, और रुद्रमाला की हेड बड़ी मम्मी, ये दो इधर हो गई प्रत्यक्ष, दो और दो मिलकर के चार हो गई। दो हैं प्रवेश करने वाली, वो गुप्त हैं, और दो वो हैं जो प्रत्यक्ष हैं। और यहाँ बेहद में किसी को छोड़ती है क्या?
है यहाँ बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में माया किसी को छोड़ती है नहीं और हद में छोड़ती है क्या? हद में भी नहीं छोड़ती। और हाँ जी है कौन सी आत्मा? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण दादा लेखराज 50 वर्ष कम हो गए ना, 68 से लेकर के 2018 तक है। कोई भी शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर हो, है 87 में उनका सूक्ष्म शरीर उतना सूक्ष्म नहीं रहा, उनका सूक्ष्म शरीर जैसे लोप होने लगा, आवाज भी निकलना बंद हो गई। अभी तो वो सिर्फ नाम मात्र के लिए बिंदु रूप स्टेज में प्रवेश करते हैं, बहुत सूक्ष्म शरीर रह गया है ना के बराबर। और भूत प्रेत आत्माओं में भी कैटेगरीज होती है, वो बहुत ऊंची कैटेगरीज की आत्मा बन गई। दो हजार छत्तीस में क्या होगा? 2036 में उनकी 18वीं साल की उम्र हो जाएगी। 18वीं साल? हाँ 18वीं साल क्या स्थूल में पैदा होंगे? स्थूल जन्म होगा क्या? स्थूल जन्म की बात संगम में योग होगी या सत्युग में होगी? है सत्युग में स्थूल जन्म होगा, संगम युग में तो आत्मा प्रवेश करेगी, बीज रूप स्टेज धारण करके बीज रूप राम की आत्मा में एकाकार हो करके दोनों के संकल्प विकल्प संस्कार सब एक हो जाएंगे। उसको कहते हैं विष्णु, पांच आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, उसको विष्णु फरिश्ता कहा जाता है। और मनसा जब एकाग्र हो जाएगी, हिले डुले नहीं, एक बिंदु ही याद आवे, तब मनसा सेवा शुरू होगी। अगर मन एकाग्र नहीं हुआ है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती है। तब तक वाचा सेवा करो, कर्मेंद्रियों से सेवा करो तो उजूरा मिलेगा, अच्छे संकल्पों से सेवा करो, श्रेष्ठ संकल्प चलाओ, श्रेष्ठ भावना चलाओ, उसका भी उजूरा मिलेगा। लेकिन ये सेवाएं मनसा सेवा के आगे कुछ भी नहीं है। मनसा सेवा जब करेंगे तो सारी दुनिया को संदेश मिल जाएगा। मनसा सेवा की गति बहुत तीव्र होगी। और जोर से बोलो जैसे घर में किकी आती हो। माला की बालाजी में हाँ कुबेर हाँ कुबेर से जो कर्जा लिया वो कर्जा भरना पड़े कि नहीं भरना पड़े? है भरना पड़े तो कुबेर कौन है?
जो आठ देवताएं हैं गोल गोल कुड़रिया में आठ देवताएं बैठे हुए दिखाए जाते हैं, उन अष्ट देवताओं में उत्तर की ओर जो पहला देवता है जिसे कुबेर कहा जाता है, धन का देवता। कौन सा धन है? ज्ञान धन का देवता। ज्ञान धन का देवता कौन बनेगा है? नहीं, शिव बाबा कोई देवता नहीं बनता है। शिव बाबा तो भगवान है, वो देवता बनाता है। धन का देवता वो ही बन सकता है जो पवित्रता में भी आगे हो और याद में भी तीखा हो। तो शंकर जी याद में तो बहुत तीखे हैं, लेकिन फिर उनको विष का पात्र दिखाया हुआ है तो वो कुबेर नहीं है, ना उनका धन काम करता है। उनके लिए भी बोल दिया, किसका आवाहन करो है? विजय महल का माला का आवाहन करो, लक्ष्मी का आवाहन करो, तो उनका धन भी काम नहीं आया। काम किसका धन आता है? इसलिए शंकर जी को काशी नगरी अति प्रिय है, जिसे काशी नगरी कहा गया है वो ही कुबेर है, धन का देवता है। अभी वर्तमान संगम युग में वो पवित्रता का धन, वो एक की याद रुद्रमाला में काम करती है। तो तिरुपति में दिखाया गया है कि बालाजी अर्थात संगमयुगी कृष्ण जितना धन कमाते हैं वो सारा किसको अर्पण कर रहे हैं इस समय? वो धन को खर्च करने के लिए निमित्त किसको बनाया हुआ है? है? काशी नगरी को, कुबेर देवता को। वो धन कुबेर कहा जाता है, कमा कमा के ले आओ और किसको अर्पण करो? है? काशी जी के अर्पण कर दो। तो एडवांस ब्राह्मणों की सारी दुनिया की परवरिश होती रहे। कहाँ की यादगार है? हैं? संगम युग की यादगार है। और अरे कितनी लंबी कहानी है। क्या पूछ रही? तो शिव बाबा को बच्चा नहीं बनाया, यहाँ वैसे ही आके बैठ गई है। वो कलयुगी बच्चे तो बिच्छू टंडन पैदा होते हैं, अम्मा बाप का ही पेट फाड़ देते हैं, बुद्धि फेल कर देते हैं। यहाँ तो तुमको बड़े से बड़ा बच्चा मिला हुआ है शिव बाबा, सो भूल जाता है। छह महीने से मिलते तो बुद्ध रूपी तिजोरी में बंद करके रखो। बच्चा कैसे रहिए?
और तो शिव बाबा बिंदी है या साकार है? अरे एक आत्मा है या दो आत्मा है? अरे आत्माएं कितनी हैं? और उनमें भगवान कौन है? अरे कौन है? भगवान तो शिव बाप है, तो शिव बाप बिंदी को अपने साथ रखो है, तो बच्चे ही बच्चा तुम साकार देगा या निराकार देगा? देने वाला कौन है? सुख शांति देने वाला साकार है या निराकार है? साकार है, लो और है? रावण मार के नहीं भरत मर गए। दशरथ ने शरीर छोड़ दो तो काब हो है? क्या तो रावण को मार दिया है, जब राम दशरथ की आत्मा वहाँ पे आई है सदगति मिली है। रावण रावण मार के राम ने रावण मारा है हाँ। तो जब वहाँ दशरथ की आत्मा से आ गई कहाँ? लंका में। लंका में दशरथ की आत्मा? रावण ही तो दशरथ की आत्मा है, जो झाड़ के चित्र में दशरथ नीचे बैठे हुए रथ माने शरीर, वो दशरथ जब ज्ञान में आ जाते हैं तब बाद में राम की आत्मा ज्ञान में आती है। तो राम की आत्मा को पालना देने वाले उनके बाप कौन हुए? वो दशरथ हुए। और जल्दी आगे क्लास कराया, जल्दी जल्दी आगे क्लास कराया करो, बहुत दिनों में आते बाबा। अच्छा, जहाँ मिनी मधुबन खुले हुए हैं वहाँ ना जाएं? अरे तो मिनी मधुबन की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहाँ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो पड़ेगा बाबा, 6 साल हो गए ग्वालियर में। 6 साल हो गए? हाँ, ग्वालियर में 6 साल भी नहीं आया। तो ग्वालियर में काहे के लिए रह रही हो? आगरा में आ जाओ, यहाँ 6 महीने के अंदर एक बार आ जाती है। कौन बोल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। रुद्राक्ष, रुद्र माने जो रौद्र रूप धारण करता है, और अक्ष माने आंख, माना जो रौद्र रूप धारण करने वाला शंकर जी है उसकी आंख है, वो उसको कहते हैं रुद्राक्ष। वो 108 के माला के दाने हैं, वो सारे ही शंकर जी की आंखें हैं। उनमें मुख्य रुद्रगण है 11 है। जो असल सूर्यवंशी है शंकर जी को मिला के 12 शिवलिंग बनते हैं ज्योतिर्लिंगम। उनमें मुख बने हुए हैं। रुद्राक्ष का जो दाना होता है उसमें ऐसे ऐसे एक मुख, फिर दो मुख, फिर तीन मुख, कोई एक मुख का होता है, कोई 14-14 मुख के होते हैं। इसका मतलब है कि उन रुद्राक्ष के मणकों में, चैतन्य मणकों में
रुद्र की आत्मा प्रवेश करती है, शिव प्रवेश नहीं करता। मेरा नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। शिव माने कल्याणकारी, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। मेरा नाम रुद्र नहीं है। फिर मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसका नाम रुद्र पड़ता है। यज्ञ के आदि में भी माला बनाते थे, फिर टूट गई है माला, मोती बिखर गए, वो रुद्र ही निमित्त बना, माला बिगाड़ दी। अभी अंत में फिर माला बनेगी, उसमें कोई की ताकत नहीं जो माला में इंटरफियर कर सके। माला तैयार हो जाएगी, 108 चैतन्य मन के तैयार हो जाएंगे, उनको हिलाने के लिए और धर्मों की बीज रूपात्माएं उनमें प्रवेश करेंगी, तो अनेक मुख हो जाएंगे एक एक को। उन रुद्राक्ष के मणकों में एक ही मणका ऐसा होता है जिसमें एक मुख होता है, एक शिव की आत्मा ही प्रवेश करके एक ही बात बोलती है, दो चार आठ बातें नहीं बोलेगी। और जो मणके हैं उनमें और धर्मों की बीज रूप आत्माएं प्रवेश कर जाती है, आधारभूत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, और दो दो बातें उनसे बोलवाती है। तो द्वैतवादी दुनिया बन जाती है। इसलिए रुद्राक्ष के मणकों को अनेक मुख भी दिखाए जाते हैं। जैसे एक मुख है शंकर जी का बच्चा कहा जाता है, बड़ा बच्चा, क्या नाम है, है? कार्तिकेय। कितने मुख हैं? छह मुख हैं, सभी धर्मियों की बातें करेगा जब तक ज्ञान बुद्धि में पूरा नहीं बैठा है। भारत के विदेश दक्षिण भारत में जाके सेवा करेगा, उत्तर भारत में सेवा नहीं करता। विदेशी है तो विदेश की सेवा करेगा या स्वदेश की सेवा करेगा? विदेश की सेवा करता है। विदेशियों में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी, सिख, छह धर्मों की बातें करता है छह मुख से। अच्छी तरह से भक्ति मार्ग में भटकता रहता है। तो रुद्रमाला के मणके हैं जो एक मुख से लेकर के अनेक मुख वाले हैं, लेकिन ये सब रुद्र की आंखें हैं। सब रुद्र को अपना पोता मेल देने वाले हैं, अपना भी देते हैं, और एक एक सितारे के अंदर जो दुनिया बसी हुई है उस दुनिया में रहने वाले सब का ये पोता मेल एक बाप के पास पहुंचता है। तो वो बाप की आंखें हैं, इसलिए उनको रुद्राक्ष कहा जाता है। और भक्त लोग के हैं आत्मा निर्लेप है, कोई लेप झेप ना लगत, आत्मा निर्लेप है, कोई लेप झेप ना लगत है। फिर कछु है तो कहता है पल्ले जन्म के जी जाने कैसे का करे आओ, तो बोल रहा है वो आत्मा को निर्लेप इसलिए मानते हैं
कि वो समझते हैं आत्मा तो लेप छेप लेने वाली नहीं है, शरीर को लेप छेप लगता है, इसलिए शरीर को स्नान कराते हैं। आत्मा को कौन सा ज्ञान स्नान चाहिए ये उनको पता ही नहीं। ज्ञान स्नान तो एक बाप ही कराते हैं। ज्ञान अर्थात जानना, जानकारी, एक बाप के पास ही सच्चाई की जानकारी है। दुनिया में किसी के पास सच्चाई की जानकारी नहीं है तो कोई भी सच्चे खंड की स्थापना नहीं कर सकता। एक बाप ही है जो सच्ची बातें बता करके सच्चे खंड की स्थापना करता है। और सत्य धाम ले जाता है। और इन आगे वाली माताओं को सुना दो, हमारा तो एक कान बहरा हो गया। वो कह रही है अनुसुईया के तीन पुत्र बताए, वो कौन सी आत्मा है? वो तुम्हें पता नहीं है? पहले तीन पुत्रों के नाम बताओ। भक्ति मार्ग की बातें जाने कहाँ से टीवी में से देख देख के उठाई लाती। तीनों के नाम बताओ पहले। है एक दुर्वासा, हाँ बोलो। अच्छा, उनको बच्चा बनाया था, थे नहीं बच्चे। अनुसुईया के तीन बच्चे थे नहीं, लेकिन उनको पालना दे करके बच्चा बना लिया, माने अपनी पवित्रता की पावर से उनको बच्चा बना लिया। और माता का नाम तो वही था, शकुंतला ही है। मछली कौन है? मत्स्यावतार तुम्हें याद नहीं है? मत्स्य का अवतार भूल गई? कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार लेता हूँ, मछली का अवतार। कहते एक ऋषि जी थे, नहाने गए तो उनके कमंडल में एक मछली आ गई। वो मछली को ऊपर उन्हें दया आ गई तो अपने आश्रम में ले जा करके उन्होंने एक सकोरे में रख दिया। दूसरे दिन देखा तो मछली बड़ी हो गई, सकोरे में आ नहीं रही थी। सकोरे में से निकाला, गगरी में डाल दिया। दूसरे दिन वो सारी गगरी भर गई। फिर गगरी में से निकाला, उन्होंने बड़े टब में रख दिया, वो टब भी पूरा भर गया, पानी बाहर निकलने लगा। तो उन्होंने ले जाकर के उसे एक तालाब में डाल दिया और तालाब में भर गई, पूरा तालाब भर गई मछली से। फिर बाद में उस मछली को उठा के कहाँ डाल दिया? सागर में। अब बताओ वो मछली कौन सी है जो सारी दुनिया में फैल जाती है? दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है, है? इतना दुनिया में कोई भी धर्म दिन दूना रात चौगुना नहीं बढ़ा होगा जितना ब्रह्मा कुमारियां बढ़ी है। थोड़े ही टाइम के अंदर सारी दुनिया में फैल गई, लेकिन वो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं,
ब्रह्मा कुमारियां बड़ी या ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा बड़ी है? अम्मा बड़ी। कौन है अम्मा? अरे सब ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा कौन है? अरे जगदम्बा। तो ब्रह्मा कुमारियों का विस्तार दुनिया में इतना जास्ति नहीं हुआ है। बाबा ने तुम बच्चों को बोला है तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। उनके सेंटर्स अभी लाखों की तादाद में हो गए नहीं हो गए, लेकिन तुम्हारे लाखों की तादाद में हो जाएंगे, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी, जैसे अखबार छपते हैं। इतना दुनिया में प्रभाव फैल जाएगा। तो कौन सी मछली हुई है जिसको लास्ट में ले जा करके समंदर में डूबी जा कर देते हैं? सब देवियों को कहां ले जाके डुबो देते हैं? सागर में। जब बाप प्रत्यक्ष होगा अंत में, छुपा रुस्तम बाद में खुले, तो ये बड़ी से बड़ी मछली को भी, मत्स्य अवतार को भी क्या करेंगे? सागर में डुबो देंगे। अभी समझ में आया? उस मछली ने अंगूठी हप कर ली। किसे हप कर लिया है? अंगूठी को हप कर लिया। तब राजा को तो स्मृति कहां से आएगी? अब मछली के बुद्ध रूपी पेट में से वो निकले तब राजा को याद आए। और दुष्यंत, दुष्ट माने दोष, पाप, अंत माने अंत करने वाला, काय का अंत करने वाला, दुनिया से पापों का अंत करने वाला कौन हुआ? अरे दुनिया से पापों का अंत करने के निमित्त कौन बनता है? हैं? शिव बाबू, वो ही दुष्यंत हो गया है? माउंट आबू पर जमीन लेते हैं, वहां पर बांधेली माताएं तो ले नहीं सकती, तो क्या अंत में उन बांधेली माताओं को तपस्या करने के लिए जगह मिलेगी है? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उन्हीं के लिए तो खरीदा जा रहा है। जो पैसे वाले हैं, छूटेले हैं, वो ही खरीद रहे हैं। किनके लिए खरीद रहे हैं? सबसे गरीब हैं कन्याएं, कन्याओं के पास तो कुछ होता ही नहीं, उनके लिए खरीदा जा रहा है। उसके बाद गरीब होती है बांधेली माताएं, उनके लिए खरीदा जा रहा है। अब बूढ़ी माताएं बांधेली नहीं है, है शरीर बंधन में नहीं है, फिर और अपने ही आप बोल रहे
बांधेली माताओं को जगह लेनी चाहिए या नहीं? अब बांधेली हो तो कहां से लेगी? है तुम्हारा तन भी बंधन में, तुम्हारा धन भी बंधन में, लेगी कहां से? तो माताओं को यज्ञ की सेवा में लगना अच्छा रहेगा ना, ये तो अच्छी बात है। और छमुख से बातें करते हैं वो संगम पे कौन आत्मा है? कैसी कैसी बातें करते अरे राम के कितने भाई हैं? तीन भाई हैं। और उन तीन भाइयों में से बड़े भाई का नाम क्या है? है क्या नाम है? भरत। और जो दो भाई हैं वो भी विधर्मियों के बीज हैं या सुधर्मियों के बीज हैं? और भरत भी विधर्मियों का बीज है। तो जो विधर्मी हैं उन विधर्मियों के बीच में बड़े से बड़ा विधर्मी बीज कौन सा हुआ? है? अरे वो विधर्मी है, रामबली आत्मा विधर्मी है, है? तो तीन भाइयों के बीच में बड़े से बड़ा विधर्मी बीज कौन सा हुआ? भरत। जो भरत वाली आत्मा है वो बाकी जो और पांच धर्म हैं, भगवान बाप से प्राप्ति करने वाले, वो सब भगत की लिस्ट में है। उन सब भक्तों में सबसे बड़ा बीज कौन सा हुआ? भरत। वो अपने पांचों भाइयों को सपोर्ट करता है, इसलिए छह मुख वाला है, सात छह कृतिकाओं से उनका जन्म होता है, छह माताएं हैं उनको पालने वाली, उनमें से एक इस्लाम धर्म की माता भी होगी, कोई बौद्ध धर्म की माता भी होगी, कोई क्रिश्चियन धर्म की माता भी होगी, कोई मुस्लिम धर्म की माता भी होगी, सन्यास धर्म की भी होगी, सिख धर्म की भी होगी। छह माताओं की गोद में पला है। तो भक्ति मार्ग में उतराता रहता है, बार बार जाके भट्टी करता है और बार बार जाके झान मजीरा बजाने शुरू कर देता है। दक्षिण भारत में सेवा करता है, दक्षिण भारत में सेवा की शुरुआत ही उसके द्वारा होती है। बाप प्रत्यक्ष होता है तो स्वदेशियों के द्वारा या विदेशियों के द्वारा? भारत के विदेशी कौन? दक्षिण भारत के लोग। तो वो आत्मा जब तक दक्षिण भारत में जाके सेवा न करे तब तक दक्षिण भारत की आत्माएं उठती ही नहीं है। पहले उसने जाकर के भट्टी की कंपिल में, तब उसे फोर्स आया, फोर्स का फोर्स लेने के बाद दक्षिण भारत में सीधी गई। और दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध राजधानी है बंगलौर, वहां से कर्नाटक की ढेर आत्माएं निकल पड़ी। फिर तो विदेशियों का तांता लग जाता है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए।
तो सेवा करने के लिए अड्डा कहाँ जमाता है? उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में अड्डा जमाता है। और बाबा मुरली में बोला है दो तरह के बीज है, तो मुरली में बोला है दो तरह के बीज है, एक तो जो सत्युग से 84 जन्म लेते हैं, एक तो सत्युग से 84 जन्म लेने वाले है, हाँ एक है जो द्वापर से आना शुरू होते हैं, जैसे इब्राहिम गुरु नाम है बाबा, जो द्वापर से आते हैं वो बाप से प्राय नहीं पढ़ते है, जो द्वापर से बीज महात्माएं आती हैं परम धाम से वो बाप से संगम में तो पढ़ाई नहीं पड़ती है, बीज रूप उनको नहीं कहा जाता, तो द्वापर युग से आती है, बीज का कभी विनाश नहीं होता है, बीज तो अनादि होता है। ये हो सकता है कोई बीज है जनवरी में फलीभूत होगा, अंकुरित होगा, कोई जनवरी में नहीं होगा जून में होगा, कोई जून में नहीं होगा बरसात में उगेगा, लेकिन बीज नष्ट नहीं होता है, इसलिए वो बीज रूप आत्माएं 4.5 लाख हैं, जो संगम युग से ही जन्म लेती हुई जाती हैं, ऐसे नहीं द्वापर से उनका जन्म होना शुरू होता है। और ओम शांति।